दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एसी डीसी एक बल्ब है और इसका दोस्तों कंपनी का भास्कर लिखा गया है और इसका जो वाट और इसका जो एम्पियर वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये सब मिट गया है। दोस्तों जब हम इसको लाइट पर लगाते हैं कभी कभी ब्लिंक करता है, देख सकते हैं, और नहीं भी करता है, ठीक है, एक बार ब्लिंक करता है और नहीं करता है। दोस्तों ये किट इसका दोस्तों ख़राब हो गया है, ठीक है, आपका भी दोस्तों किट ख़राब हो गया तो इसको दोस्तों आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका अंदर का बैटरी आपका अच्छा होना चाहिए और बैटरी दोस्तों आपका ख़राब हो गया है तो आपको बैटरी भी एक ठो लगा सकते हैं, नया वाला मिल जाता है। तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम टेस्टर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा घुसाएंगे और इसको इस तरह रिमूव करना है, थोड़ा थोड़ा करके, देख सकते हैं, ठीक है, रिमूव हो चुका है। तो ये दोस्तों एक लोकल कंपनी का है और दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोकल कंपनी पर भी ये दोस्तों ट्रिक को इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर बैठे बना सकते हैं इसको, आपके पास बस सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका किट को एकदम निकाल देंगे, ठीक है, थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको करना पड़ेगा। इसका जो किट है, किट को आपको हाथ पर रखना है, ठीक है, और यहाँ पर जो सोल्डिंग किया गया है इस सोल्डिंग को आपको निकाल देना है, ठीक है। देख सकते हैं हमारा ये जो केबल था निकल चुका है, देख सकते हैं ये इसका किट है, ठीक है, और ये हमारा इसका बल्ब है, इसका नीचे रहता है। तो इसका बैटरी को हम पहले रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, बैटरी को रिमूव कर लेते हैं। और दोस्तों एक किट जो हमारा ख़राब हुआ है आपको दिखा देते हैं इसको निकाल कर। देख सकते हैं, ठीक है, दोस्तों पूरा लोकल कंपनी का ही है, ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रू ही लगा है और कुछ भी नहीं लगा है, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। देख सकते हैं निकल चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे ये जो बल्ब है। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। देख ठीक है दोस्तों, इसको तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, इसका तो सब कुछ निकाल दिए हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा। दोस्तों इसका किट आ जाता है एसी डीसी बल्ब का, ठीक है, देख सकते हैं ये एसी डीसी के लिए है। दोस्तों ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में, ये दोस्तों 60-70 रुपये में ये मिल जाता है। तो इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो किस तरह इंस्टॉल करना है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बैटरी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, देख सकते हैं ये दोस्तों बैटरी के लिए ये जो कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर लिखा गया, देख सकते हैं यहाँ पर एक टू प्लस है, ठीक है, ये वाला प्लस और ये वाला हमारा माइनस है, और ये वाला हमारे दोस्तों लाइन देने के लिए लाइट, ये जो करंट आएगा इसमें होल्डर का जो आएगा दो टो पिन, ये वाला नेगेटिव और ये वाला लाइन के लिए, ठीक है। तो चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं और इसका चल रहा है कि नहीं आपको दिखाते हैं एसी और डीसी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको दो ठो वायर ले लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर हम दो ठो वायर ले लिए हैं, और यहाँ पर सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो होल्ड है, ठीक है, यहाँ पर आपको घुसा देना है, ठीक है, इस तरह घुसा कर यहाँ पर आपको सोल्डिंग करना है। तो हम सोल्डिंग कर देते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम होल्ड कर चुके हैं, देख सकते हैं अच्छे से दिख रहा है,
और यहाँ पर हम वायर को इस तरह घुसाएंगे यहाँ पर, और आपको सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत करता है दोस्तों, क्योंकि ये कुएं के जैसा है, तो अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये वाला हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सोल्डिंग थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे और सोल्डिंग वायर लेंगे। और आपको क्या करना है, अच्छे से मोटा करके सोल्डिंग कर देना है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है, देख सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो किट है, ठीक है, ये किट को इस प्रकार इसे यहाँ पर बैठा देंगे सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर जो एक दिया गया है स्क्रू, देख सकते हैं, एक घाट पर ऐसे ही बैठ रहा है, देख सकते हैं, इसके लिए ही स्पेशल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम एक तो स्क्रू को लगा देते हैं सपोर्ट के लिए। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम छोटा वाला, हमारे पास अवेलेबल है, तो हम छोटा वाला ही लगाएंगे इसमें स्क्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट से लगा देते हैं। और एक तो भी लगा देंगे, अच्छे से रहेगा, हिलेगा नहीं। तीन तो दिया गया है, लेकिन दो तो जाना चाहिए, ये अच्छा है। थोड़ा सा कस लेना है तो ये नहीं हिलेगा, देख सकते हैं। ये हमारा अच्छे से ये बैठ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो देख सकते हैं, ये वाला हमारा लाइन के लिए, ठीक है, नेगेटिव और लाइन, तो इसको हम यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। इसका बैटरी का दोस्तों हमारा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो बैटरी का कनेक्टर इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, ये मोटा वाला है। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा ब्लैक जो लगा हुआ है, ये भी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये वाला हमारा प्लस के लिए एक्चुअल में है, ठीक है। तो हम ये वायर को यहाँ पर लगा देंगे, प्लस वाला हमारा ऊपर रहता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा उल्टा था पहले से कलर, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हम सोल्डिंग कर लेंगे अच्छे से, प्लस माइनस देखकर कलर भी ठीक रहना चाहिए। कभी भी काम करेंगे तो ये हमारा प्रॉपरली अच्छे से काम होगा, ठीक है। ये हमारा बैटरी के लिए प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर घुसा देंगे इस प्रकार, इस प्रकार इसको घुसा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा घुस चुका है, और यहाँ पर हम इसको सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। इसका प्लस और माइनस देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला हमारा प्लस है और ये वाला हमारा माइनस है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सोल्डिंग इसको अच्छे से कर चुके हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बैटरी का भी प्लस माइनस देखकर हम कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको इसको शॉर्ट करके दिखा देते हैं, इसका जो बैक साइड जो हम हमारा लाइट चाहता है तो यहाँ पर जलना चाहिए, तो आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं जल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, और एक चीज़ दिखा देते हैं, डायरेक्ट लाइट पर लगाकर, ठीक है, लाइट पर लगाकर भी हमारा जलना चाहिए, तब जाके हमारा काम हुआ है। तो लाइट पर लगा कर भी आपको पुराना वाला को निकाल देते हैं और आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइट पर अभी चल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जब हमारा बैटरी पर चलेगा, ये वाला अंदर का जो लाइट है, और बाहर का जो है हमारा डायरेक्ट लाइन पर चलेगा। तो इसको हम
फटाफट से पेंटिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेफ्टी के साथ काम करना पड़ेगा, ये जो बैटरी हम जब यहाँ पर घुसाएंगे ठीक है अंदर, तो हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट लाइन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा टेप लगाएंगे ठीक है, साथ यहाँ पर टेप टेप लगा देना है। और डबल टेप आपके पास है तो और भी बहुत ही अच्छा है, हम डबल टेप भी यहाँ पर लगाएंगे। डबल टेप लगाएंगे यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर डबल टेप हम ले चुके हैं और जो ब्लैक टेप दिए हैं यहाँ पर हम इस तरह इसको लगा देंगे और बहुत ही सेफ्टी होगा दोस्तों, इसको लगाने से हमारा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा ठीक है। इसको इस तरह घुसा देना है ठीक है, हो चुका है। और यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लगा देंगे ठीक है, और यहाँ पर आपको इसका ढक्कन को भी लगा देना है। तो देख सकते हैं जैसा था पहले वाला वैसे ही नया जैसा हमारा फिटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पहले दिखा देते हैं, जल रहा है कि नहीं देख सकते हैं, चल रहा है ठीक है देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको लाइट पर लगा कर भी दिखा देते हैं, देख सकते हैं जल रहा है ठीक है। तो दोस्तों ये सालों साल चलेगा, बहुत ही दिन जाता है, हम इसको यूज कर चुके हैं और ऐसा नहीं कि बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, बहुत दिन जाता है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।